अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम काशिफ है और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक ऑनलाइन। अच्छा जी, डीसी वायरिंग करते दौरान जब हम डीसी बल्ब लगाते हैं और उसके लिए होल्डर लगाते हैं, तो भाई डीसी बल्ब का कनेक्शन कैसे होगा, डीसी होल्डर में वायर लाल और काली वायर कौन कौन सी जगह लगानी है, तो भाई आज की ये छोटी सी वीडियो इसी से रिलेटेड है। तो टाइम को जाया किए बगैर वीडियो की तरफ बढ़ते हैं जी। तो पहले दोस्तों, जैसा कि ये मेरे पास दो वायर हैं, ये देखें जी, एक के ऊपर ये हल्का सा वाइट पट्टी लगी हुई है जिसको आप रेड के तौर पर यूज़ करेंगे, और एक ये सिंपल है इसको हम काली के तौर पर यूज़ करेंगे। तो भाई उसके लिए आपने क्या करना है, ये जो बीच वाला आपको इसका पॉइंट नज़र आ रहा है होल्डर का, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ लाइट ऑन करके अपनी, ये देखिएगा ये जो बीच वाला है, यानी कि ये यहाँ पे, ये मैं आपको खोल के दिखा भी देता हूँ भाई, जो मेन जो रेड वाली वायर है वो आपने यहाँ पे लगानी है, ये इसको आपने रेड वाली वायर लगानी है। ये देखें जी, रेड वाली वायर यहाँ पे लग गई और ब्लैक वाली वायर जो है वो ये पूरा हिस्सा जो है वो, यानी कि ये अर्थ हुआ हुआ है, जो ये ब्लैक वाली वायर होगी ये यहाँ पर, ठंडी तार यहाँ पे और गर्म तार यहाँ पे। आसान अल्फाज में अगर आपको मैं बताऊँ तो ये देखें जी, ये इजीली इस तरीके से इसका कनेक्शन होगा, ये आपने ब्लैक के तौर पे यूज़ करनी है और ये रेड के तौर पे यूज़ करनी है, तो भाई ऐसे इसका कनेक्शन होगा। तो प्यारे दोस्तों, शॉर्ट सी वीडियो थी, मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ शेयर कर लूँ। वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।